जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत ने ये लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ अगर भारत लागू करता है तो उससे क्या क्या हो सकता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। PDF के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, बेसिकली हुआ क्या है हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद जो राइट टू बी फॉरगॉटन है उसका मतलब हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ट्यूसडे को यूरोपियन यूनियन की जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने रूल किया कि जो ऑनलाइन प्राइवेसी रूल है जिसे राइट टू बी फॉरगॉटन कहा जाता है, यूरोपियन लॉ के अंडर में वो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स के बियॉन्ड अप्लाई नहीं हो सकता है। मतलब यूरोपियन यूनियन में जो स्टेट्स आते हैं, जो कंट्रीज आती है, सिर्फ वहीं पर राइट टू बी फॉरगॉटन ये जो रूल है ये यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने जो ये निर्णय दिया है ये गूगल के फेवर में दिया है। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब होता क्या है। अब देखिए, राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल का अधिकार है, इंडिविजुअल का राइट है, जिससे कि जो पर्सनल डाटा उसका गूगल सर्च इंजन पर दिखाई दे रहा है उसे वो हटाने के लिए कह सकता है, उसे वो डिलीट करने के लिए कह सकता है। मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन ये एम्पावर करता है एक इंडिविजुअल को कि वो जो उसका पर्सनल डाटा है उसे रिमूव करने के लिए कह सकता है। अब यूरोपियन यूनियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसे हम GDPR कहते हैं, ये इसके अंडर में लागू किया गया था, लॉ पास किया गया था 28 मेंबर ब्लॉक 2018 में। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन GDPR की अगर वेबसाइट देखते हैं तो उसके हिसाब से राइट टू बी फॉरगॉटन ये रेसिटल 65 और 66, उसी के साथ साथ आर्टिकल 17 जो रेगुलेशंस का है उसमें नजर आता है। और इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल डाटा है, कंट्रोलर से वो ऑब्टेन की जा सकती है और उसे इरेज करने के लिए कहा जा सकता है विदाउट अनड्यू डिले। मतलब यहाँ पर जो पर्सनल डाटा है उसे इरेज करना पड़ेगा विदाउट अनड्यू डिले। मतलब यहाँ पर डिले जो है वो आप नहीं कर सकते हो। अनड्यू डिले का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अबाउट अ मंथ, मतलब यहाँ पर आप उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकते हो। अब अगर हम आर्टिकल 2 देखते हैं GDPR का, तो पर्सनल डाटा मतलब वहाँ पर डिफाइन किया गया है, मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि उस पर्सन को आइडेंटिफाई करती है या फिर नेचुरल पर्सन जो है उसे आइडेंटिफाइबल बनाती है तो उसे कहा जाएगा पर्सनल डाटा। उसी के साथ साथ कंट्रोलर का मतलब क्या है, नेचुरल या फिर लीगल पर्सन, पब्लिक अथॉरिटी, एजेंसी या ऐसी कोई बॉडी जो कि डिटरमाइन करेगी पर्पस या फिर मींस जो ये पर्सनल डाटा है उसे प्रोसेस करने के लिए। तो पर्सनल डाटा अब आपको समझ में आ गया है बेसिकली क्या है। तो ये हटाने के लिए एक इंडिविजुअल इंसान मांग कर सकता है और ये अनड्यू डिले ये ना करते हुए यहाँ पर वो हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अनड्यू डिले मतलब अबाउट अ मंथ। अब ये प्रोसेस कैसी चलने वाली है, तो सबसे पहले जो गूगल है उसे रिक्वेस्ट आएगी एक इंसान की कि मुझे मेरे जो पर्सनल डाटा है ये हटाना है, ये जो लिंक्स यहाँ पर मेरे बारे में दिए गए हैं इसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले गूगल जो है वो तो रिव्यू करेगा कि एक्चुअल में वो उसी की लिंक है या नहीं, तो किसी और की लिंक डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल देंगे तो मतलब क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले तो वो रिव्यू करेगा, उसके बाद जो लिंक्स है वो रिमूव करेगा और कंट्री स्पेसिफिक साइट से, मतलब यूरोपियन यूनियन में जो साइट्स नज़र आ रही है सिर्फ वहीं से। अभी देखिए, अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो गूगल को अब तक 8.45 लाख रिक्वेस्ट आ चुकी है, जिससे कि 33 लाख इंटरनेट लिंक्स उन्हें टेक डाउन कहने के लिए कहा गया है। 45% जो है वो डीलिस्ट भी की गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितने ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पर आए हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि किस तरीके की रिक्वेस्ट यहाँ पर निकालने के लिए कह रहे होंगे। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे होता है कि किसी ने मर्डर किया है, अब इंसान ने कोई मर्डर किया है, उसकी लिंक जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है, वो सज़ा काटकर वापस आ गया है, तो ये चाहेगा ना कि अब यहाँ पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जा रही है ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म वो हटा दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसी के साथ साथ कुछ पोर्नोग्राफी भी हमें देखने को मिल सकती है, तो वो भी कोई इंसान चाहेगा कि किसी नाम से अगर सजेस्ट किया जाता है उस तरीके से पोर्नोग्राफी अगर आती है तो वो हटाना चाहेगा, तो वो भी हटाने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है और 33 लाख इंटरनेट लिंक हटाने को कहा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये मामला कोर्ट में गया क्यों था। तो 2015 में जो CNIL है, ये एक इंटरनेट रेगुलेटिंग एजेंसी है फ्रांस में, तो इसने गूगल को कहा था कि आप
आपकी जो सर्च इंजन है उसमें से अगर किसी इंसान ने बोला कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन हटा दो, ये लिंक हटा दो, तो ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म आप हटा देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन में जो साइट दिख रही है सिर्फ वही आप हटा दो, दुनिया में जहाँ पर भी उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब हटा देनी चाहिए, मतलब यूरोपियन यूनियन से बियॉन्ड आप जाइए। तो गूगल ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, राइट टू बी इन्फॉर्मेशन इसका ये हनन होता है, मतलब सभी को इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है। तो गूगल ने जो है ये रिफ्यूज़ कर दिया था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CNIL है उन्होंने फाइन लगा दिया था 1 लाख यूरो का, मतलब 77 लाख का गूगल पर 2016 में। फिर गूगल जो है उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया ECJ में, और फिर उसके बाद ECJ का निर्णय जो है वो हमने देखा है, उन्होंने गूगल के फेवर में निर्णय दिया है कि यूरोपियन यूनियन जो है सिर्फ उसके अंदर में जो स्टेट्स आते हैं वहीं पर ये चीज़ लागू की जाएगी, उसके बाहर नहीं की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ECJ जो है उन्होंने अब जो प्राइवेसी रूल है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ही, मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पर इस तरीके के लॉज नहीं है वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। मतलब यूरोपियन यूनियन से अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन हटाओ, तो वो यूरोपियन यूनियन के सर्च इंजन पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन भारत के सर्च इंजन में वो ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि भारत में इस तरीके का लॉ नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके बारे में देखते हैं, तो ये 1952 में स्थापित की गई थी, और ये हमें लक्समबर्ग में देखने को मिलती है, और ये यूरोपियन यूनियन से जो लॉ से जुड़ी हुई चीज़ें होती है वो यहाँ पर पूरी कवर करती है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या भारत में इस तरीके के लॉ लाने चाहिए। अब राइट टू बी फॉरगॉटन, ये राइट टू प्रिवेसी है क्या? तो इन दोनों में हमें डिफ्रेंसिएशन पता रहना चाहिए सबसे पहले, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी जो है फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राइट टू बी फॉरगॉटन जो है फिर ये भी फंडामेंटल राइट में आ जाना चाहिए अगर दोनों सेम है तो, पर जी नहीं, दोनों में फ़र्क है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम राइट टू प्रिवेसी देखते हैं तो वह ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कभी पब्लिकली थी ही नहीं, और इंसान वो पब्लिकली नहीं करना चाहता है कभी भी। लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी, लेकिन अब वो इंसान चाहता है कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल ना रहे। मतलब कोई इंसान है, उसका जो आधार कार्ड है वो कभी भी पब्लिकली नहीं था, अगर वो होता है तो राइट टू प्रिवेसी का हनन है। लेकिन अगर कोई इंसान है, उसने किसी का बटवा मारा था, अब वो अगर उसकी लिंक उसको दिखाई देती है कि ये इंसान ने बटवा मारा था, तो वो अब अगर चाहेगा कि ये चीज़ हटा देनी चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अगर हटा दिया जाता है तो ये है राइट टू बी फॉरगॉटन, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हटा दी जाएगी और जो थर्ड पार्टी है वो उस इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगी। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन में अगर हम देखते हैं तो इतनी सारी लिंक हटाने की बात की गई है, तो अगर भारत में ये चीज़ लागू की जाती है, इस तरीके का रूल आता है, तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि कितनी सारी लिंक्स यहाँ पर हटाने की रिक्वेस्ट जो है वो जा सकती है। अभी देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि सीरियस भी होती है, जैसे कि वहाँ पर जो पोर्नोग्राफी है वो यहाँ पर शेयर कर देना, किसी की जो फोटोज़ है जो कि प्रॉपर तरीके की ना हो वो शेयर कर देना, इस तरीके की चीज़ें जो है, इस तरीके की लिंक्स कभी कभार देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ है, अगर हम इस तरीके का रूल लेकर आते हैं तो वो इंसान को काफ़ी आसानी जाएगी कि उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जो वो नहीं चाहते हैं वो अगर अवेलेबल है तो हटाने के लिए कह सकते हैं। अभी देखिए, ऐसा ही केस हमें कर्नाटका हाई कोर्ट में भी देखने को मिला था, जहाँ पर एक जो फादर है उन्होंने कुछ किया था, तो उनकी जो बेटी है उनका भी नाम उसमें लाया गया था, मतलब जो लिंक है उसमें उनकी बेटी का भी जिक्र किया गया था। और इसी के साथ वो जो फादर है वो कोर्ट में जाते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट में जाते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो नाम है ये हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है, मतलब इनकी जो बेटी है उनकी रेपुटेशन है, जो हस्बैंड के साथ एक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर ख़तरे में आ सकती है। और इसीलिए कर्नाटका हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये महिला का राइट टू बी फॉरगॉटन ये अपहेल्ड किया था, और कहा था कि जैसे सेंसिटिव मैटर होते हैं उसमें ये चीज़ देखी जानी चाहिए। तो ये हमारे वीडियो का एंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर मिली है तो दूसरों तक भी पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।